अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आई एम शिफानाज, डॉटर ऑफ शकील अहमद फ्रॉम सालीमार जामा मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह व सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबी अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि सरली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों और मेरे पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत और बरकत। मैं अपनी ये तकरीर शुरू करने से पहले कुरान मस्जिद की एक आयत सुनाना चाहूँगी। अल्लाह फरमाता है कुरान में सूरह नंबर 33 और आयत नंबर 56 में, इन्नल्लाह मलाइकतुहु यसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा, जिसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह और उनके फरिश्ते रसूल पर दरूद और सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। तो आइए हम सब मिलकर प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े। आज की हमारी इस तकरीर का मौजू है मुसलमान। दुनिया में बहुत से मुसलमान हैं। इंडिया में मुसलमान है, पाकिस्तान में मुसलमान है, इंडोनेशिया में मुसलमान है, अमेरिका में मुसलमान है, सऊदी अरब में मुसलमान है, फ्रांस मुसलमान है, सारी दुनिया में मुसलमान है। एक चाय की दुकान करने वाला भी मुसलमान कहलाता है, एक शराब की दुकान करने वाला भी मुसलमान कहलाता है, झूठ बोलने वाला भी मुसलमान कहलाता है, चोरी करने वाला भी मुसलमान कहलाता है, जुआ खेलने वाला भी मुसलमान कहलाता है, अपने पड़ोसियों पर जुल्म करने वाला भी मुसलमान कहलाता है, अब माँ बाप को तकलीफ देने वाला भी मुसलमान कहलाता है, धोखा देने वाला भी मुसलमान कहलाता है, सूद का कारोबार करने वाला भी मुसलमान कहलाता है, और अजान सुनकर नमाज न पढ़ने वाला भी मुसलमान कहलाता है। मगर हकीकत में कौन मुसलमान कहलाता है? किसे मुसलमान कहा जाता है? किसका नाम अल्लाह ने मुसलमान रखा है? अल्लाह फरमाता है कुरान में सूरह नंबर 22 और आयत नंबर 78 में, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीना, हमने ईमान वालों का नाम मुसलमान रखा है, यानी कि जिसके पास ईमान है वो मुसलमान है। तो एक मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि वह ईमान वाला है। तो एक मुसलमान कभी चोरी नहीं कर सकता क्योंकि वह ईमान वाला है। तो एक मुसलमान कभी धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वह ईमान वाला है। तो एक मुसलमान कभी सूद नहीं खा सकता क्योंकि वह ईमान वाला है। तो इसलिए मुसलमान को नाम से नहीं बल्कि उसके अमाल से पहचान जाता है। इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है कुरान में सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 136 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, यानी ईमान वाले कहलाते हैं मगर ईमान नहीं। अजान तो सुनते हैं पर नमाज नहीं। माँ के कदमों में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाज़ा, पर माँ बाप की खिदमत करते नहीं। कोरोना से तो डरते हैं पर अल्लाह से नहीं। मीडिया की बातें तो कान लगा कर सुनते हैं पर अल्लाह की बातों पर ध्यान नहीं। वैक्सीन पर भरोसा है पर रसूल की सुन्नत पर नहीं। कोरोना के डर से तो मास्क लगाती हैं पर अल्लाह के डर से हिजाब नहीं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ और बहनों, हमारे दिल में सबसे ज़्यादा डर उसी एक अल्लाह का होना चाहिए जिसने सारी कायनात को बनाया। वही ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है और वही कयामत के दिन हमें दोबारा ज़िंदा करेगा। वह तो इज्जो मंतसाऊँ वह तो जिल्लो मंतसाऊँ, वही इज्जत का मालिक है और वही जिल्लत का मालिक है। वही बीमारी भेजता है और वही शिफा देता है और वही आसमानों और ज़मीन से हमें रोज़ी भेजता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।